अच्छा आज क्या है वैसे? आज कौन सा डे है? डेट क्या है आज? 5? क्या है आज? आज कोई डे सेलिब्रेट होता है? आज क्या है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, ठीक है। इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है H5N1 वायरस किससे किसके संक्रमण से संबंधित है। देखो ये वाला जो वो है H5 और H1, ये वायरस सबसे ज्यादा जो पोल्ट्री, सबसे पहले जो ये वो हुआ था डिस्कवर्ड, ये हुआ था पोल्ट्री में। पोल्ट्री मीन्स मुर्गी फाउल इन सब में, ठीक है। बट ये अगर उसके बाद जो जंगली पक्षी हैं उनमें भी फैल गया, तो अभी ये सबसे ज्यादा थ्रेट बना हुआ है क्योंकि ये बेटा 30 कंट्रीज में फैला हुआ है। एटलीस्ट 30 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर ये फैला हुआ है, और वर्स्ट अफेक्टेड है इससे नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका तुमको पता ही है क्या, दैट इज दिस इज मीट कंज्यूमिंग कंट्री, है ना। एंड दे ऑल्सो यू नो उस उनके पास क्या है कि पोल्ट्री फार्म बहुत ज्यादा है, पोल्ट्री फार्म हो गए या एग्स और वो सारी कंज्यूम वो करते हैं, तो उनके लिए थ्रेट बना हुआ है क्योंकि ये जंगली जो वाइल्ड एनिमल्स पक्षी हैं उनसे बाकी पक्षियों में भी फैल रहा है, ठीक है। तो ये H5N1 वायरस, लेकिन इसको कभी अगर ऑप्शन में ये आ जाए कि ये किससे संबंधित है, मनुष्य से या पक्षियों से या किससे, तो पक्षियों पे ही आंसर लगाना, जंगली पक्षी या जो भी आए। मनुष्य में ये रेयर है, मनुष्य में इसका संक्रमण बहुत कम कम क्या लेस ही है, ये मनुष्य में नहीं होता बट ये पक्षियों में फैला हुआ है। और इससे हमें क्या थ्रेट है, क्योंकि हम एज अ कंट्री, हमारे यहाँ भी पोल्ट्री वो है एक मेन मतलब ऑक्यूपेशन कह लो, पोल्ट्री मुर्गी पालन, और उनके लिए भी जैसे कि हमारे पक्षी हैं, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन पक्षियों की अच्छी है, तो ये अगर उनमें फैल गया तो हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि पक्षी एक तरह से एनवायरमेंट के लिए सबसे ज्यादा वो रहते हैं, जरूरी है, ठीक है। तो ये H5N1 क्लेड, इसका जो वायरस का जो जैसे वेरिएंट आए थे ना कोविड के, ओमिक्रॉन और ये डेल्टा ये सब, तो ऐसे ही ये एक इसका वेरिएंट है क्लेड 2.3.4.B, तो ये ज्यादा प्रेवलेंट है जंगली पक्षियों, ठीक है। तो इसे याद रखना कि ये जंगली पक्षियों में रहता है। अब एनीमिया, एनीमिया ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि एनीमिया किसकी कमी से होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आयरन की कमी से होता है। अब आयरन क्यों जरूरी है ये भी पता होना चाहिए कि आयरन क्यों जरूरी है। तो बेटा एक सर्वे होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये हर साल होता है, ठीक है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग इंडिया में 57% जो वेमेन है वो इस एनीमिया से पीड़ित है, ठीक है। अब एनीमिया क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन क्यों जरूरी होता है हमारे लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हमारी जो मैकेनिकल जो भी चीजें होंगी, जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया या डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, सर्कुलेशन हो गया, उस पर इफेक्ट पड़ेगा, और उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो एज अ होल पूरी बॉडी में इफेक्ट पड़ता है ना। तो आयरन जो है ये किसके बनाने में काम आता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, और अगर ये लेस ऑक्सीजन कैरी करेगा, लेस ऑक्सीजन कैरी करेगा तो ये एज अ होल हमारे जितने भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, सर्कुलेशन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, उन सब पे ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एनीमिया अगर कंट्री हमारी इंडिया की हालत देखी जाए तो इंडिया की हालत बहुत बेहतर नहीं है, हमारे यहाँ पे एनीमिया लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्या कहा था कि 57% वुमेन पीड़ित है 57% एनीमिया से, और इसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज चलाई गई हैं, और 67% चिल्ड्रन, 67% चिल्ड्रन। तो अब
इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा जो रोल प्ले करता है आयरन की डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में कैसे फुलफिल होगी, एक तो जो आयरन रिच फ्रूट्स होते हैं वो, उसके साथ साथ जो हमारा ट्रेडिशनल फूड था वो बंद हो गया है। जैसे कि हम पहले बाजरा कंज्यूम करते थे या ज्वार कंज्यूम करते थे तो उनमें आयरन ज्यादा होता था, बाजरा में, ज्वार में, इन सब में। अब हमने वो कंज्यूम करना बंद कर दिया है, हम आ गए मैदा पर, है ना, हम फ्लोर वो सारी चीजें खा रहे हैं, ऑयल भी हम रिफाइंड खा रहे हैं, तो उससे हमारी बॉडी में और ज्यादा ये चीजें ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एक राइस फोर्टिफिकेशन और फूड फोर्टिफिकेशन एक वो चली है, आप सुना होगा तुम लोगों ने, राइस फोर्टिफिकेशन। अब फोर्टिफिकेशन का क्या मतलब है, राइस फोर्टिफिकेशन, ये देखो फोर्टिफिकेशन का मीनिंग है कि ये जो चावल खाने में मिड डे मील में या फिर जो पीडीएस के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इनको ब्लेंड किया जाए आयरन और अदर मिनरल्स के साथ, सो दैट कि ये जो प्रॉब्लम है इसको कंडेम किया जा सके, इसको थोड़ा रोका जा सके। ठीक है, तो ये है आयरन की कमी से होता है, और ये क्वेश्चन बहुत वाइड है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि विटामिन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इवन यूपीपीसीएस में भी 2023 में देख लो या 22 में देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि यू कैन इजीली डू देम, कि अगर तुम्हें पता है बेसिक सा तो तुम कर सकते हो। जैसे कि उसमें पूछा था कि स्कर्वी किसकी वजह से होता है, स्कर्वी कौन से वाइटमिन की वजह से होता है, या बेरी बेरी कौन से वाइटामिन की वजह से होता है, तो ये यूपीपीसीएस तक में भी पूछे गए हैं, तो अगर अच्छे से हो तो हमारे अच्छे अपने हाथ के मार्क्स हैं ये सब। अब आता है एलएसी, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, सीमा रेखा किन देशों के बीच है, भारत और चीन। इस पर अभी भी बहुत ज्यादा विवाद चल रहा है, और अगर देखा हो जनवरी 2021 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे मैं अगर जगह होगी तो मैं ड्रॉ करके दिखा दूंगी कहाँ पर है। देखो लाइन ऑफ एक्चुअल एक्चुअल कंट्रोल, बेसिकली मैं ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ करके दिखाऊं, तो यहाँ जो है ये एक लाइन है, यहाँ ये चाइना ने ऑक्यूपाइड कर रखा है, इंडिया का पार्ट है बट चाइना ने इलीगली ये ऑक्यूपाइड किया था, और ये क्या था 1962 के अराउंड जो चाइना इंडिया चाइना वॉर हुआ था उसके आसपास इन्होंने ये ऑक्यूपाई कर लिया था। ठीक है, वो वॉर हमारे लिए बेवकूफी थी लड़ना, क्योंकि हम उतने के उस समय हमारे पास उतनी वो नहीं थी आर्म और इतनी एम्यूनेशन जो हम इसे जीत पाते, उन लोगों के पास बहुत उस समय भी टेक्नोलॉजी और सप्लाई थी, तो ये वाला जो युद्ध है उसमें हम ये खो बैठे चाइना को, तो इसे चाइना क्या कहता है, अक्साई चिन। ठीक है, अक्साई चिन, तो चाइना क्या करता है, ये जो लाइन है एक तो है बेटा एलओसी और एक है एलएसी। अब एलओसी क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है, पाकिस्तान के, एलओसी। तो अब एलओसी का क्या है, एलओसी पूरी तरह से सील्ड है, सील्ड मतलब कि आप उसके आर पार नहीं जा सकते, लेकिन ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसमें ये सील्ड नहीं है प्रॉपरली। सील मीन्स कि इसमें ये लोग क्या करते हैं, ये यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, और फिर इनका एरिया बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जगहें हैं जैसे कि दिपसंग है, पेगोंगसो है, तो पेगोंगसो जो लेक है वो आधी चाइना में है और आधी हमारे इंडिया में है, उसका कुछ पार्ट चाइना में कुछ इंडिया में। ठीक है, तो ये लोग वहाँ पे अपनी आर्मी, जो इनकी पीएलए आर्मी है चाइना की, वो वहाँ पे पेट्रोलिंग करती रहती है। तो 2021 में हमारी आर्मी और उनकी आर्मी की पेट्रोलिंग के टाइम पे झड़प हो गई थी, ठीक है, जिसमें हमारे आर्मी के कुछ जवान इंजर्ड भी हो गए थे, उनकी के भी हुए थे बट वो फिर रोक दिया गया था। लेकिन इन लोगों का क्या है, जब तक ये ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, इसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि ये डिमार्केशन हो इसका, कि इतना इनका है इतना हमारा है, तब इनका आना यहाँ पे रुकेगा। ठीक है, क्योंकि बेटा हम भी नहीं छोड़ सकते इस एरिया को, तो ये लोग यहाँ पे पैट बनाए बैठे हैं, और इनका जो मेन मोटिव है वो इनका भी जेएनके है ना, ऐसा नहीं है कि चाइना इसे नहीं चाहता, चाइना चाहता है यहाँ पाकिस्तान, और ये अपना जो मैंने बताया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये अपना पूरा करना चाहता है। ठीक है, तो ये एलएसी है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर कहीं भी क्वेश्चन आता है कि एलएसी किस किस देश के बीच में है, तो भारत और चाइना के, और लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में है, वो भारत और पाकिस्तान के। उसका फायदा ये है कि वो सील बंद है, वहां पे अगर वो सीज वो करते हैं, वहां से किसी भी तरह से शूटिंग कर देते हैं या अटैक करते हैं,
तो हमारे पास प्रॉपर चीजें हैं तैयार करने के लिए, लेकिन यहाँ से हमें पता भी नहीं चलता। तो ये चीज है, और ये इतना वैसा एरिया है यहाँ पे, इतनी बर्फ, क्योंकि लद्दाख में बर्फ है और यहाँ की, क्योंकि हिमालय पर्वत है तो हिमालय की वजह से यहाँ पे चोटियां हैं, अलग अलग ग्लेशियर है, तो बहुत इनहॉस्पिटेबल जगह है, यहाँ पे जाया भी नहीं जा सकता। तो लेकिन फिर भी हमारी आर्मी वहां पे पेट्रोलिंग करती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेदर बैक सी टर्टल कहाँ पाए जाते हैं? देखो, लेदर बैक सी टर्टल एक तरह का सी टर्टल है, नाम से ही पता चल रहा है, लेदर बैक। जो इसकी बैक है वो और सी टर्टल से काफी डिफरेंट होती है, एंड इट इज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लेदर बैक, है ना, इसके एक लेदर की बैक है इसकी। तो ये सी टर्टल जो है इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान और निकोबार, ये इन्हीं जगह पर नेस्टिंग करता है ना, ये इन्हीं जगह पर नेस्टिंग करता है बस। और ये अपनी स्पीशीज का सिर्फ वन एंड ओनली टर्टल है, ये आर्कटिक और अंटार्कटिका को छोड़ के, जो ठंडी जगह है आर्कटिक और अंटार्कटिका, बाकी सभी ओशन में पाया जाता है, और मेनली इंडोनेशिया, श्रीलंका, अंडमान और निकोबार, इंडियन ओशन, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या प्रॉब्लम है, लेदर बैक सी टर्टल को हम क्यों आज पढ़ रहे हैं? क्योंकि बेटा ये वल्नरेबल कैटेगरी में है, यानी ये अब संकट ग्रस्त है। अब उसके तीन चार कारण है, एक तो हो गया पॉल्यूशन, सी में भी बहुत पॉल्यूशन हो गया है ना, फिर एक आता पॉचिंग, इलीगल पॉचिंग हो रही है इनकी, पॉचिंग, और फिर उसके बाद इनकी ट्रैफिकिंग भी होती है। ट्रैफिकिंग मीन्स ये अदर मार्केट में भी बेचे जाते हैं, ठीक है, ट्रैफिकिंग होती है। उसके लिए हमारे यहाँ पे भी एक वो बनी हुई है, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो इनके ट्रैफिकिंग को रोकती है। कभी सुना होगा कि उसके पास इतने पक्षी मिले, उसके पास इतने मतलब दुर्लभ प्रजाति के कछुए मिले, या ये तो वो हमारी एक है, उसका नाम सही है कुछ, तो वो मैं बता दूंगी। तो ये वल्नरेबल पोजीशन में है, इट मीन्स क्या है कि ये संकट ग्रस्त होने वाला है, ठीक है, ये संकट ग्रस्त है एक तरह से। अब नेक्स्ट है, हाल ही में बालासोर, आईयूसीएन का इसका स्टेटस याद रखना, कि आईयूसीएन में कौन से में है, वल्नरेबल है या एक्सटिंक्ट है या फिर थ्रेटेंड है, नियरली थ्रेटेंड है, तो ये वल्नरेबल है आईयूसीएन में। हाल ही में बालासोर ट्रेन हादसा चर्चा में है, और यह किस राज्य में? देखो, बालासोर में जो ट्रेन हादसा हुआ है वो एक पैसेंजर ट्रेन थी और एक कार्गो ट्रेन थी, एक पैसेंजर और एक कार्गो, और ऐसा कहा जा रहा है कि जो पैसेंजर ट्रेन थी वो उसने अपना ट्रैक बदल दिया, वो अपने ट्रैक पे से समहाउ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी और उसने अपना ट्रैक बदल दिया और वो कोलाइड हो गई जो कार्गो थी। अब कार्गो तो मैं बताया वो रोकती नहीं है, कार्गो कार्गो ब्रेक भी नहीं लगेंगे और वो बहुत फास्ट होती है, तो जब कार्गो में कोलिजन हुआ तो उसमें अभी भी 200, अभी कल तक की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 228 तक मृतक पाए गए हैं, और बाकी अभी ढूंढ रहे हैं, और जो रेट है वो बढ़ सकता है ना। तो ये हुआ है उड़ीसा में, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि देखो हम कुछ नहीं कह सकते एग्जाम के बारे में कि वो लोग पूछ लेंगे, लेकिन जो चीज चर्चा में रहती है वो कहीं ना कहीं पूछी जाती है, तो ये उड़ीसा में हुआ है। बाकी हाल ही में एक्ट 239AA चर्चा में है, इस अनुच्छेद में किससे संबंधित प्रावधान है? तो ये एनसीटी दिल्ली से है। अब इसका मैं बताती हूँ तुमको कि क्या था, हमारी कंट्री में जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट का, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब जब स्टेट बनाए जा रहे थे बड़े स्टेट को मर्ज करके या छोटे स्टेट में मर्ज करके, तो स्टेट जब बनाए जा रहे थे तो दिल्ली के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क आया था कि दिल्ली क्या बने। तो दिल्ली जैसे कि हमने बताया था शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल हुआ था 1911 में, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल यानी कि कहाँ से शिफ्ट हुई थी कैपिटल, कैलकाटा से। तो ये 1911 से ही ब्रिटिश की कैपिटल है, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल कहां से हुआ था, कैलकाटा से दिल्ली, तो ये तब से ही ब्रिटिश ब्रिटिश की कैपिटल, ठीक है। अब उसके बाद हमारा देश आजाद हो गया 1947 में, तो ये इंडियन कैपिटल भी रही, क्योंकि बेटा फिर वहां पर सारी चीजें वहीं थी, हमारा जो काम काज सारी चीजें होती थी वो दिल्ली में ही होता था। तो एनसीटी दिल्ली पर फिर क्वेश्चन मार्क आया कि इसको स्टेट बनाया जाए कि क्या बनाया जाए। अब इसको जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया, दिल्ली को बनाया गया यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यूटी कह लो या यूनियन टेरिटरी बनाया गया रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। ठीक
ठीक है, तो फिर ये डिमांड आने लगी कि दिल्ली में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो उस समय फिर एक चीफ मिनिस्टर बने, तो चीफ मिनिस्टर जो थे उनका और यूनियन गवर्नमेंट का क्लैश होता था। ऐसा नहीं था कि अभी जो हो रहा है ये तो हमें पता है, उस समय जवाहरलाल नेहरू जी सेंटर में थे, उनकी गवर्नमेंट थी, और जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर थे उस समय, उनका नाम ऐसे ही है, बालकृष्ण ब्रह्मानंद कुछ ऐसे ही नाम था, उन्होंने रिजाइन कर दिया। ठीक है, अब रिजाइन करने के बाद फिर यही प्रॉब्लम आई कि दिल्ली का स्टेटस आखिर है क्या, वेदर इट इज ए स्टेट, वेदर इट इज ए यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी है तो फिर पावर किसके हाथ में रहेगी। तो फिर ये आर्टिकल 239 AA दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा, और इसमें कहा, इसमें कुछ पावर्स ऐसी हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ कि एनसीटी दिल्ली के साथ जो वहां का इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, जो भी मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट में सीएम, वहां का जो रियल हेड होगा, रियल वो होगा बेटा एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर, प्रोनंसिएशन ऐसे ही है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वो रियल हेड होगा, और सीएम को उन्होंने बना दिया नॉमिनल हेड। ठीक है, उसे बना दिया नॉमिनल हेड। नॉमिनल मीन्स ये नाम का हेड है, काम का हेड ऊपर वाला है। ठीक है, ये जो एलजी है, अब इसे एलजी को कौन अपॉइंट करता था, प्रेसिडेंट। तो इट मींस क्या है, ये किसके हाथ का है, ये सेंटर के हाथ में रहेगा, यूनियन गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा होगा। ठीक है, तो अब नॉमिनल हेड इन्होंने क्या कहा इस आर्टिकल के तहत, कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, ये इनके हाथ में नहीं रहेगा, ये स्टेट जो लिस्ट होती है ना स्टेट लिस्ट, उसमें से ये सब्जेक्ट बाहर कर दिए थे, कि सीएम जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी वो बाकी चीजों पे लॉ बना सकती है, बट ना तो पुलिस पे बना सकती है, ना पब्लिक ऑर्डर पे, ना ही लैंड पे। ठीक है, तो फिर सीएम किस काम का। तो अब जो प्रॉब्लम आई है, अब ये आई है, इस अनुच्छेद की बात इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया कि जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको एक्सक्लूसिव पावर है जो भी लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा वहां की सिविल सर्विसेज पे। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, सिविल सर्विसेज में किसका कंट्रोल आ रहा है, जो सिविल सर्वेंट स्टेट में काम कर रहे हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं वो कर रही है यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, अब फिर सीएम किस काम का। देखो, अगर हम एलजी की बात करें तो ये तो नॉमिनेटेड है, नॉमिनेटेड मतलब ये लोगों ने इलेक्ट थोड़ी किया है, ये तो नॉमिनेटेड है। नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट, और जो बंदा इलेक्टेड है उसके हाथ में कोई पावर नहीं है, तो फिर ये उल्टा नहीं होना। देखो, अगर आप अपने हमारे स्टेट की बात करो, हमारा स्टेट है यूपी, तो उसमें जो गवर्नर है दैट इज नॉमिनल हेड, रियल हेड कौन है, दैट इज सीएम, सीएम के हाथ में सारी पावर है। और दिल्ली में उल्टा चल रहा है कि ये नॉमिनेटेड हेड तो रियल हेड रहेगा और जिसे लोगों ने इलेक्ट किया है उसको पावर है नहीं। तो ये टसल चल रहा था एलजी और सीएम केजरीवाल के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केजरीवाल मतलब सीएम के फेवर में जजमेंट दिया कि देखो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसको सिविल सर्विसेज जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उसका लेजिस्लेटिव कंट्रोल है वो सीएम के पास रहेगा। ठीक है, बाकी चीजें आप जैसे भी करो, तो वो चीज कही। अब फिर उसके जजमेंट के आने के 2-3 दिन बाद ही प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास की, अध्यादेश, ठीक है, जिसका है ये एसी के नीचे, इसलिए मैंने लिख दिया, एक अध्यादेश आया। अब अध्यादेश कैसे पढ़ा जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023। अब ये क्या कहता है, ये वाली अमेंडमेंट एक्ट क्या कहती है, कि जो सिविल सर्विसेज का कंट्रोल है वो यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में ही रहेगा, इट इज एलजी हु विल डिसाइड, हु विल, है ना, ट्रांसफर और ये सारी चीजें जो मैटर देखेगा वो एलजी ही देखेगा, बट एक कमेटी बनाई जाएगी, उस कमेटी में कौन रहेगा, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनाई जाएगी, उसमें सीएम होंगे, होम सेक्रेटरी होंगे और 2 सिविल सर्विस होंगे। अब तुम ये बताओ, सीएम अकेला यहाँ पे कितने हैं, 3 हो गए ना, एक ये हो गया प्लस 2, ये 3 और ये एक अकेला, मान लो वोटिंग हुई, बैठे हैं,
वो पर्सन वहां से वहां ट्रांसफर करना, उसके फेवर में वोटिंग हुई तो सीएम की एक वोट है और इन दोनों की इनकी तीन वोट है, तो किसका डिसीजन मान्य हो जाएगा? होम सेक्रेटरी और जो दो सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेट है उनका डिसीजन मान्य हो जाएगा? तो अरविंद केजरीवाल अब स्टेट में स्टेट टू स्टेट जा रहे हैं और वो सभी स्टेट से समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस जो अभी जारी हुई है ये विधानसभा उसमें पार्लियामेंट में पारित ना, जो अब नेक्स्ट मॉनसून सेशन सेशन होएगा ना, सेशन होते हैं बेटा, एक बजट सेशन होता है, एक मॉनसून सेशन होता है, तो और एक विंटर सेशन होता है, तो अब ये मॉनसून सेशन में पारित होने की बात होगी, अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा सेशन, तो वो ताकि ये पास ना हो। अब पास होने के लिए क्या चाहिए? पार्लियामेंट में समर्थन चाहिए, अब वो समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं ताकि इसके अगेंस्ट में जा सके। और देखो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो ये सही नहीं है, है ना? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि सीएम जो है दैट इज रियल एग्जीक्यूटिव, रियल हेड, और जो गवर्नर है दैट इज नॉमिनल हेड। सीएम क्यों रियल हेड है? क्योंकि वो लोगों ने इलेक्ट करके बिठाया बेटा, है ना, और फिर लोगों का ही फैथ नहीं रहेगा, फिर क्या फायदा वो वोट देंगे किसी को, है ना? तो ये चीज चल रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है, हाल ही में माननीय राष्ट्रपति ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी की है, वह किससे संबंध में है? तो ये है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2023, और इसमें उन्होंने यही बात की है। अब ऑर्डिनेंस के बारे में बता देती हूँ, अध्यादेश जारी करना कब जरूरी होता है बेटा? जैसे हमारे यहाँ पे इमरजेंसी है, इमरजेंसी मीन पूरी कंट्री में इमरजेंसी है, पार्लियामेंट डिसॉल्व है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, या कोई एक पार्लियामेंट का एक लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक सेशन में, तो तब ऑर्डिनेंस जारी होती है। ऑर्डिनेंस अपने आप जारी नहीं कर सकते, तो ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉयलेशन है कि आप ऑर्डिनेंस क्यों, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, लेकिन इमरजेंसी भी तो नहीं है क्या? दिल्ली में क्या इमरजेंसी आई है कि आपने रातों रात ऑर्डिनेंस जारी की है? ठीक है, तो इमरजेंसी भी नहीं है, तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई तो ये वॉइड हो जाएगा जहां तक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कहता नहीं है ये सब। फिर आता है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, विश्व दास सूचकांक को कौन जारी करता है? तो ये एक वॉक फ्री फाउंडेशन है जो कि विश्व सूचकांक जारी करता है, और अब ये क्या कहता है कि जो विश्व है उसमें मॉडर्न स्लेवरी है। मॉडर्न स्लेवरी कैसी है बेटा? मॉडर्न स्लेवरी, अब एक काइंड ऑफ मॉडर्न स्लेवरी है, और जो वर्स्ट अफेक्टेड है मतलब 50 मिलियन पीपल मॉडर्न स्लेवरी का शिकार है, 50 मिलियन पीपल, ठीक है। अब मॉडर्न स्लेवरी क्या है? जैसे कि फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर मींस के किसी से जानबूझ के काम, मतलब किसी से फोर्सफुली काम कराया जा रहा है, और अभी भी ये चीज है कि सामने वाले पर्सन को अगर पैसे की नीड है तो वो उस पर्सन के लिए जो टाइम वर्क आवर्स जो दे रखे हैं 8 आवर्स अ डे या जो भी दे रखे हैं 9 to 5 के, उससे भी ज्यादा वो काम कराते हैं। अगर आप ओवर टाइम कराए तो आप उसे उतना पे भी करें, लेकिन ओवर टाइम कराने के बाद भी वो उनको पे नहीं करते। एक दूसरा काइंड ऑफ वो है लेबर, ये मॉडर्न स्लेवरी एक और है कि इसमें क्या है कि किसी भी विमेन को काम देने के लिए उसका एडवांटेज लिया जाता है, ठीक है, उसे सेक्सुअली हरेस किया जाता है, जैसे कि रेसलर के कंटेक्स्ट में अभी चल रहा है कि उनको बाकी चीजों के लिए मतलब फोर्स किया जाता है करने के लिए, तो एक ये काइंड ऑफ स्लेवरी है। अब इसमें इंडिया, चाइना, रशिया और इंडोनेशिया, तुर्की, ठीक है, यूएस, इनमें हाईएस्ट नंबर, ठीक है। ये मॉडर्न स्लेवरी एक तरह की ऐसी है कि कोई किसी के यहाँ पे नौकर है, सर्वेंट है, वो काम कर रहा है, उसे ओवर टाइम करा रहे हैं, उसको उतनी इक्वल पे मिल नहीं पा रही है ना। और एक और चीज है जैसे कि ये ST SC कम्युनिटी से कुछ पर्सन है वो काम कर रहे हैं, उनसे काम ज्यादा कराया जा रहा है, सैलरी कम है, तो ये भी एक काइंड ऑफ स्लेवरी तो करा रहे हैं आप, है ना। तो ये मॉडर्न स्लेवरी इंडेक्स, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जारी करता है वॉक फ्री फाउंडेशन, और इसमें कंट्रीज वर्ल्ड से अफेक्टेड इंडिया, चाइना, यूएस और तुर्की। फिर आएगा यूएनईपी आईएनसी 2 कहाँ संपन्न हुई? देखो यूएनईपी की फुल फॉर्म देखो, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इसका मतलब है इंटर गवर्नमेंटल, इसका था इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी, ये अभी पेरिस में संपन्न हुई है, ठीक है, पेरिस में संपन्न हुई है, और इसका उद्देश्य क्या था? टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक
पॉल्यूशन, और ये किसके उपलक्ष्य में हुई है, क्योंकि बेटा आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इस बार जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है वो भी है टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा थ्रेट बना हुआ है वो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसको कम करने के लिए। ठीक है, तो ये पेरिस में हुई थी और इसी से रिलेटेड है। पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस 1972 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, दैट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कॉन्फ्रेंस का नाम था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, और इसका जो थीम था वो था वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक अर्थ है जिस पर हम हैं। जब पता है कि ओनली ग्रीन प्लैनेट इज अर्थ, ओनली लाइफ अवेलेबल ऑन अर्थ, तो हम उस अर्थ को क्यों खत्म करते जा रहे हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, या देर आर सो मेनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन, है ना, और उनकी वजह से हम अपनी अर्थ को डिफोरेस्टेशन हो गया या ये सारी चीजें हो गया, तो इनकी वजह से हम अपने उसको खत्म करते जा रहे हैं हैबिटेट को, तो फिर हम कहाँ रहेंगे। तुम कितना भी कह लो मार्स पे जीवन है, नहीं है अभी, अभी कुछ पता ही नहीं है, और सोचो तो मार्स पे सेटल सब नहीं हो पाएंगे, एलोन मस्क जैसे लोग ही हो पाएंगे जिनके पास पैसा है, नहीं तो सब अर्थ पे रह जाएंगे और एलोन मस्क वगैरह लॉन्च अपना रॉकेट लेके वहां चले जाएंगे और वो कहेंगे कि भाई हम तो मैं तो चला गया, अब इन्हें जाने दो, है ना। जैसे वो ट्विटर पे कर रहा है एलोन मस्क के, जिन्होंने पेमेंट नहीं की उन्हें अचानक से ब्लॉक कर दिया था, है ना, तो वो तो अपने ही सोचने वाले हैं जिनके पास है वो मार्स पे जाके सेटल हो जाएंगे, लेकिन हम थोड़ी ना होने वाले हैं। तो और फिर बेटा उनका क्या, जो जो रियल में जिनके लिए अर्थ है, दैट इज हमारी वाइल्ड लाइफ, हमारे ओशन में जो एनिमल्स है उनके जो रियल में अर्थ है, उनके लिए क्या होगा, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, उनको भी हम खत्म कर रहे हैं अपनी ग्रीड के लिए। तो ये हुआ था और इसका थीम था ओनली वन अर्थ। तो फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 5 जून 1972, दैट्स वाई आज हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए देखो, इंडिया, इफ इंडिया वांट्स, तो इंडिया बहुत अच्छा प्लास्टिक पॉल्यूशन के उसमें जो अल्टरनेटिव है वो हमारे यहाँ बहुत है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस जूट, जो जूट है, जूट के जो बैग होते हैं वे कैरी भी कर सकते हैं, और जूट का जो मैन्युफैक्चर है वो बढ़ाया भी जा सकता है, और जो जूट मैन्युफैक्चर, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो वहाँ पे फार्मर्स हैं जो जूट उगाते हैं, उनके लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। जूट प्लास्टिक बैग का एक पूरा अल्टरनेटिव बन सकता है। ठीक है, और ऐसा भी स्टडीज में पाया गया है कि एल्यूमिनियम का फॉइल लगा के हम उसमें लिक्विड भी चीजें रख सकते हैं जूट के बैग में, एल्यूमिनियम का फॉइल कवर लगा के एल्यूमिनियम के बैग या एल्यूमिनियम जूट की चीजें, है ना, और एल्यूमिनियम तो रिसाइकिल भी हो सकता है, तो एल्यूमिनियम की कुछ चीजें यूज की जाए, तो हमारा जो इंडिया है एक तरह से मार्केट बन सकता है कि प्लास्टिक को मुक्त कराने में हम बहुत बड़ी रोल प्ले कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो चेयर्स भी जूट के, जूट की जो ट्रेडिशनल चेयर्स होती थी वो कितनी अच्छी होती थी, जूट की बनी हुई, तो इंडिया अगर चाहे तो इस चीज में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट वगैरह करके इस चीज को कर सकता है एड। ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम ऑल।